जो हाल ही में बाय इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो पंजाब में हुए हों या इस वक्त पाकिस्तान की चंद सीटों पे हुए हों, मैंने उसके रिजल्ट को गेज करते हुए ये बात की आपको है। आपको पता ही नहीं रिजल्ट का, हमने दो सीटें ली थी, दोनों से हम जीत गए भारी अक्सरियत से। अभी जो आठ सीटें थी, आठ में से आठ की आठ पीटीआई थी, जिसमें से दो पीटीआई हार चुकी है। मैंने जो हाल ही में बाय इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो पंजाब में हुए हों या इस वक्त पाकिस्तान की चंद सीटों पे हुए हों, मैंने उसके रिजल्ट को गेज करते हुए ये बात की है। आपको पता ही नहीं रिजल्ट का। कैसे नहीं पता सर, मुझे क्यों नहीं पता? मूसा गिलानी जीत गए और खाली यहाँ से आपके वो हकीम बलोच साहब जीत गए। क्या बाकी बाकी सब जगहों से तहरीक इंसाफ नहीं जीती? हमने दो सीटें ली थी, दोनों से हम जीत गए भारी अक्सरियत से। दो सीटों से जीते ना सर आप, छह सीटों से नहीं जीते। माजी के मैम पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून का मियां साहब से पूछ ले, ठीक है। और इससे पहले पंजाब में जो 20 सीटों पे हुए, 20 के 20 पीटीआई के थे, जिसमें 5 सीटें पीटीआई हार चुकी थी। अभी जो 8 सीटें थी, 8 में से 8 की 8 पीटीआई थी, जिसमें से 2 पीटीआई हार चुकी है। और फिर उसके बाद जब इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि ये रेफरेंडम है, तो ये भी आप इंट्रो में बता देते। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, अगर उनका ग्राफ नीचे, जब मेरी सुन ले, अर्ज सुन ले सर, मेरी बात सुने, अगर जवाब तो दूं। जवाब आपने जो इतनी बढ़ चढ़ के चीख चला के जो आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर गोले बरसाए, क्या उनसे गोले बरसाए सर? मैंने कौन से गोले बरसाए आपको, आपके ऊपर? मैंने क्या आप लोगों ने गाड़ियां नहीं ली तोशे खाना से? सर आपने तोशे खाना से गाड़ियां नहीं ली? आप तो पीटीआई के जो है, क्या अगर तो मैंने फिर आपको बोलने का मौका दिया ना? आपको किसी चीज का क्यों नहीं पता? किसी चीज का आप मुझे बताएं, किस चीज का मुझे नहीं पता? क्या देश, क्या डिफरेंट केसेस नहीं बने आप लोग? अच्छा ठीक है, शुमार का पता सही है, सही बिल्कुल। आपने सिर्फ पीपल्स पार्टी के दुश्मनी में आपने जो इंट्रो दिए सर, आप अपना मौकिफ दें और आप जात पे बात मत करें। आप इसकी इंट्रो नहीं हो सकती है, वो पीटीआई के एक खिलाड़ी के तौर सकती है, उसके नहीं हो सकती। ओके ठीक है, आगे सुन ले। अब आगे आप मेरा सवाल सुन ले सर, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये कि अगर आप उसके बाद आप सवाल नहीं, तो पूरा आधा घंटा तो आप नहीं बोल सकते ना। आपको सवाल नहीं, आपने मेरा सवाल सुन ले। जो गोले बरसाया उसका जवाब तो पहले सुन ले, उसके बाद बता दिया ना आपने बता दिया कि तोशाखाना से आप लोगों ने गाड़ियां खरीदी, तोशाखाना से आपने गाड़ियां खरीदी लेकिन आपने जाती इस्तेमाल में रखी, बस फर्क ये है ना कि आपने बेची नहीं, बाजार में नहीं बेचा, खरीदी तो सही ना इमरान नियाजी के तरफ, बाजार खरीदी तो सही ना, कानून में तरमीम करके खरीदी तो सही ना, कानून है बस, थैंक यू, कानून है, बस कानून है कि आप तोशाखाना से कोई भी चीज उसकी जो प्राइस है वो अदा करके आप रख सकते हैं। हमने इमरान नियाजी और खातून अवल साबिक की तरह हमने शॉपिंग सेंटर बना के और कस्टम की गाड़ी की तरह धंधा नहीं बनाया, लेकिन खरीदी हमने अपनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 गोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंदा सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। गोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया, 65% सार्फीन ने सिर्फ गोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि गोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।